हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती स्त्री को कैसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी होती है जिस समय आपको बेहद यानी कि ध्यान देना ज़रूरी होता है। जिस समय अगर आप एक छोटी सी छोटी गलतियां करते हैं तो शिशु को गर्भ में पल रहा शिशु को बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, साथ ही साथ आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि कोई महिला जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो आप सभी को पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि प्रेगनेंसी में उठना और बैठने का तरीका जानना बेहद ज़रूरी है, आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है, जिससे आप कोई भी ऐसा गलती ना कर दें जिससे आपको गर्भ में पल रहे शिशु को कोई भी नुकसानदायक अंदर हो सके। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी वीडियो ही आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। देखिए, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, आपका यानी कि 3 मंथ 4 मंथ पार हो जाता है, तो उस समय से ही आपको उठने बैठने के तौर तरीकों पर ध्यान देना शुरू कर देना होता है। खास करके आप किस तरीके से बैठना है, आपको बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में टेढ़ी मेढ़ी होकर नहीं बैठनी है, सही स्ट्रेट बैठनी है आपको। हो सके तो आप यानी कि जब आपका बड़ा पेट निकलने लगता है, कभी कभी होता है कि जब आपका पेट का साइज बेबी बम जो बड़ा दिखने लगा है और वेट ज़्यादा हो गया है, तो उस समय आपको थोड़ी सी उठने बैठने में तकलीफें होने लगती है। तो आपको यदि नीचे आप सबसे पहले मैं तो आपको बोलना चाहूँगी कि नीचे कम बैठे, आप चेयर वर पर बैठ सकते हैं, बेड पर बैठ सकते हैं, क्योंकि जब आप नीचे पैरों पर बैठते हैं तो उस समय थोड़ा सा आपको उठने बैठने में तकलीफ हो सकती है, तो उस समय किसी चीज़ के सहारा से आप उठ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका बेबी बम ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, ज़्यादा पेट निकला हुआ है, तो उस समय आप जब आप बैठते हैं तो आप तकिया लगाकर बैठ सकते हैं, जिससे आपको बैठने में काफ़ी आराम भी मिलेगा और कंफर्टेबल भी महसूस होगा। साथ ही साथ जब आप सोने जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड ही सोए। लेफ्ट हैंड सोने से आपको फ़ायदा ये होगा कि बेबी गर्भ में बिल्कुल यानी कि कंफर्टेबल महसूस करता है, साथ ही साथ आपको भी सोने में काफ़ी आरामदायक लगेगा और आपको इससे गर्भ में पल रहे शिशु को कोई भी नुकसानदायक नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा सोने की, और जब भी आप सोते हैं तो बेबी बम जब का ज़्यादा बाहर निकला है तो उस समय आप एक तकिया के सहारा से सो सकते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल महसूस होगा, या यदि आपको कंफर्टेबल बेडशीट है, कंफर्टेबल बेड है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे आसानी से सो सकते हैं। दूसरी बात, आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आप जैसे कि गर्भ में पल रहा शिशु आपका जब मूवमेंट कर रहा, हलचल कर रहा, तो किस साइड मूवमेंट कर रहा, किस साइड हलचल कर रहा, ये भी बेहद ज़रूरी होता है, तो उस तरीके से आप उठने बैठने पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो इन सभी बातों को गर्भावस्था के दौरान ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ अगले नए वीडियो में। किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और खुश से बैठिए, प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए।